वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है 5 जैन और रैंडमली मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। कोई प्लान नहीं था आज का और मेरे व्लॉग अभी नहीं जा रहे हैं। आई नो मेरे कितने व्यूअर्स बोल रहे हैं कि रेगुलर रहो, बट आई एम रियली सॉरी गाइज। अभी मेरे लिए पता नहीं क्या है, कब दिन शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलता है। और दूसरा रीज़न ये है कि अभी मेरा मतलब बेबी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ऐसा आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसकी शरारतें बढ़ रही है तो मेरा काम भी बढ़ रहा है। हर एक चीज़ को वो इधर उधर फैलाता है, एंड उसके साथ में क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे को आप जब हो तो उसको क्लीन करना, पूरा घर क्लीन रखना, उसको टाइम टाइम पर देना। क्योंकि अगर अभी से मैं 5 साल तक उसको अच्छे से बिल्कुल उसका डाइट रखूंगी, उसको बिल्कुल हेल्दी खाना दूंगी टाइम टाइम, तो मैं हमेशा यही सोचती रहती हूँ क्या दूँ। अगर 5 साल तक अच्छे से दूंगी तो उसका ग्रोथ फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो इस वजह से मैं नहीं वीडियो शूट कर पा रही हूँ रेगुलरली, और सो इसलिए और मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया है। सो कल मैंने बनाया था गाजर का हलवा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। विदाउट खोआ का बना था, बिना खोए का। एक्चुअली खोए जैसा ही टेस्ट आ रहा था, क्योंकि मैंने जो उसमें दूध डाला था वो भैंस का था, और वो उसको मैंने बहुत ज़्यादा जलाते जलाते बिल्कुल खोआ टाइप लग रहा था, बहुत ही यम्मी। और थोड़ा अभी भी बचा हुआ है, काश मैं शूट करती बट थोड़ा मूड नहीं था, और विंटर में थोड़ा सा काम मेरा अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है। तो सुबह उठती हूँ, फिर सब कुछ नीरव को अच्छे से तैयार करके उसको खिला कर फिर मैं फटाफट से लंच का तैयारी करने लगती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ। अर्ली मॉर्निंग उनको जाना होता है, फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ क्योंकि रात भर नहीं सोती हूँ बिल्कुल भी। और फिर मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 5 बजे, और फिर मुझे थोड़ा सा अगर नहीं सोऊंगी तो रात में बिल्कुल भी नहीं मैं कुछ कर पाऊंगी। और मेरा रात का क्या है, मेरा रात का बहुत ही ज़्यादा यू नो बिजी अभी चल रहा है शेड्यूल, तो इस वजह से भी नहीं कर पा रही। सो या दैट्स व्हाट। और या अभी मुझे थोड़ा छत पे जाना है, धूप बहुत अच्छा निकला हुआ है यहाँ पर। तो आंटी जो है नीचे वो भी छत पे है, तो मुझे काफ़ी दिनों से बोल रही है कि सौम्या तो घर से बाहर ही नहीं निकलती है, सौम्या तो कभी नहीं दिखती है, छत पे भी नहीं आती, थोड़ा छत पे आओ नीरव को धूप लगाओ। बट क्योंकि मुझे यहाँ गैलरी में धूप मिल जाता है उतना जितना चाहिए होता है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। ओह सो इसलिए तो फाइनली मैंने सोचा आज चले ही जाते हैं। काफ़ी दिन से सोचते सोचते नहीं जा रही हूँ, तो अभी नीरव थोड़ा सो रहा है तो मैं सोच रही हूँ नीरव के लिए कुछ स्नैक्स ले आती हूँ। और मेरे जो लिप्स है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, आई कैन नॉट स्पीक। इवन विंटर में मैंने इतना ज़्यादा जो ड्राई होने वाला लिपस्टिक है वो लगा लिया है, और ये है शुगर स्मच बी नॉट लिक्विड लिपस्टिक। शेड है, शेड नेम इज ब्रेजन ब्रेजन रेजन। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, टैन फैन वाला मेरे पास जो शेड है उसमें तो मुझे इतनी कंफ्यूजन नहीं होती है। मैं इतना क्यों हाफ रही हूँ आजकल, मुझे अपना वजन कम करना होगा, दैट्स व्हाई। तो मैं जा रही हूँ नीरव के लिए थोड़ा स्नैक्स ले लेती हूँ, वो अभी उठने ही वाला है, उसके लिए कुछ स्नैक्स ले लेती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ छत पर। तो मेरे पास अभी स्नैक्स यहीं पे पड़े हुए हैं, एक्चुअली मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है किचन में। तो लेट मी शो यू, एक्चुअली ये नीरव को एज ए स्नैक्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सोच रही हूँ यही ले लेती हूँ। उसको दूध के साथ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर मैं उसको भूख लगेगी तो ये दे सकती हूँ। इसमें से मतलब पूरा डब्बा नहीं लेके जाऊंगी, छोटा सा एक टिफिन है वो ले लेती हूँ। और मैं अभी इतना ही बात करूंगी, छत पे जा रही हूँ और उसके बाद मैं इवनिंग से शूट करूंगी। कोई है क्या? मुझे लगा एक्चुअली इधर कोई है, मैं बहुत ही ज्यादा डरपोक हूँ, बहुत ज्यादा। चलते हैं। हाय गाइस, सो आज जा रही हूँ मैं डी मार्ट, और मैं वहाँ का जाकर ब्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे वहाँ मना कर दिए थे, आई डोंट नो। और ये आज मैंने शुरू इसलिए किया है क्योंकि लास्ट मैंने जो ब्लॉग कल किया था वो अधूरा रह गया था, तो इस वजह से। और आज तो ठंड कम है तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जाते हैं। और मैंने बहुत ही कम हल्का फुल्का कुछ टचअप कर लिया है, ज़्यादा नहीं किया है। हाँ जी बेटा,
सो बस मैंने ये पहना स्वेटर और मैं इसके ऊपर पहनूंगी एक जैकेट क्योंकि आते थोड़ी ठंड लग सकती है। तो मैंने जीन्स पहना है एंड दिस बूट विच इज माई फेवरेट राइट नाउ। ओके तो चलते हैं और उसके बाद मैं आने के बाद ही शूट करूँगी, आपसे बातें करूँगी। तो फटाफट से चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती लेट। हाँ जी बेटा चलो आओ, ये पैंट पहनो जल्दी, कम कम सुना, डैडी को बोली पहना नहीं सकते थे तुम भी। ओके तो मैं फटाफट से नीरव को पैंट पहना दूँ क्योंकि उसको दो पैंट पहनाती हूँ ताकि उसको ठंड ना लगे। ये तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ ताकि जल्दी से उसको पहना दूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी। लेट्स गेट स्टार्टेड। या सो अभी जस्ट मैंने हॉल वीडियो स्टार्ट अभी जस्ट मैंने हॉल वीडियो ख़त्म किया है और मैं उठी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अपने बालों को थोड़ा बांध लूँ और जाऊँ खाना बना, क्योंकि चाहे आप कितना ही कुछ कर लो खाना तो आपको बनाना ही होता है। एंड हम अगर बाहर से खा भी ले तो नीरव के लिए तो बनाना ही है घर का। सो मैं जा रही हूँ कल के लिए नीरव को, नीरव के लिए चिकपीस भिगो देती हूँ और मैंने दिन में ही दाल भी गोया था, साबुत मसूर की दाल थी, तो उसको जा रही हूँ बनाने कुछ हेल्दी कुछ हेल्दी दाल एंड सब्जी कुछ मिक्स वेजिटेबल सोच रही हूँ। लेट्स सी एंड अभी अभी जो मैंने शूट किया है वो है ये, लेट मी शो यू। तो ये सारी चीज़ें अभी लाई हूँ, ज़्यादा नहीं था बट ये सारी चीज़ें लेके आई। तो अभी मैंने ये एक प्लेट भी लेके आई हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत क्यूट सा है। और ये दो कप आई लव, ये स्नैक्स हैं जो कि बनाना है मुझे। तो आज नहीं बनाऊँगी, आज बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, कल बनाऊँगी। और आटा मैं रख लेती हूँ, थोड़ा सा आटा था तो ये सब लेकर आई हूँ एंड दैट्स इट। तो मेरे हस्बैंड जो है अभी चाय बना रहे हैं और जल्दी से चाय पी के मैं करती हूँ काम शुरू। और उन्होंने कितने अच्छे, मेरे हस्बैंड ने दूध भी बॉईल कर देते हैं साथ साथ चाय बनता है, तो ही सो स्वीट, आई रियली लव माय हस्बैंड, ही सो स्वीट। सो उनको एक्चुअली वो अपना तारीफ सुन भी रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं हस्बैंड के पास। डियर हस्बैंड व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज डोंट शो मी व्हाई, बिकॉज़ आई एम नोवेयर, यू आर हियर, My hair is nowhere. Please. You look so good and damn. क्योंकि तुम्हें दिख नहीं रहा है फेस, so okay, you don't worry. Thank you. बिल्कुल अंधेरा है. Okay. No one can see you. So कल ही तुम्हारे बाल, इन्होंने कल ही अपने बाल कटवाए। ले आओ बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, पी लेंगे। सो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक फटाफट से जो भी किचन पूरा फैला हुआ है बहुत फटाफट से गई थी तो उन सबको मैं कर लूँ, समेट लूँ एंड देन आई विल टॉक टू यू। ओके गाइस, सो ये है आज का खाना और मैं जा रही हूँ खाने पराठे मिक्स वेज दही का तड़का देके। ओके गाइस, इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। हाँ सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।